आप देख रहे हैं डार्क क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। जिंदगी के मालिक किस बात की है देरी। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले जहाँ प्यार मिले। चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले जहाँ प्यार मिले। अभी इस देश में वही होगा जो सही होगा, इस राष्ट्र में वही होगा जो सही होगा। और 2022 में अब फिर पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएगी कोई ना कोई पार्टी, हार जाएगी ये जनता, हार जाएगी ये जनता। इस देश की गरीबी दूर करते करते इतने अमीर हो गए कि आज गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लग गए और जगह जगह लिखा हुआ है बेटियों का सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारियां घरों में सुरक्षित। अबे कब तक ठगोगे इस देश में अब वही होगा जो सही होगा। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहूंगा। देखिए एक वरिष्ठ समाज से, सर क्या हाल है आज इस देश का, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। महंगाई से जनता का क्या? बहुत हो गई है, पब्लिक फल नहीं खरीद रही है बिल्कुल भी। अच्छा ऐसा लॉकडाउन लगने की सूचना है, लॉकडाउन लगने की फिर सुन रहे हैं। देखिए फिर 2022 चल रहा है, 2022 में पार्टियां फिर तैयारियां कर रही हैं, चुनाव फिर होगा और फिर कोई ना कोई पार्टी जीत जाएगी और हार जाएगी ये जनता। जनता बेवकूफ है। 75 सालों से लेकर यहां कुछ नहीं बदला, 70 सालों से लेकर यहाँ कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो सिर्फ शोषण का तरीका, शोषण का तरीका। सच दिखलाना एक दंडनीय अपराध, सच दिखलाना दंडनीय अपराध। सच तो दिखला कर रहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन सब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और जब चुनाव आएगा तो प्रचार हो जाएगा, मुसलमान एक हो जाओ हिंदू एक हो जाओ और फिर वोट ले लेंगे और लूट लेंगे इस देश को। और इसी तरह से इस देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते इतने अमीर हो गए कि आज गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लग गए। गरीबी जिसे कहा जाता, चाचा अस्सलाम वालेकुम, हमारे नबी ने भी कहा कि गरीबी को अपनाओ। आज गरीबों को क्या अपनाया जाता है? गरीब का कोई रिश्ता है? गरीब का कोई नाता नहीं है, भाई भाई से नहीं रखता, क्योंकि गरीब ही एक ऐसी दुर्गंध है, एक ऐसी बदबू है जो उसको बहुत बुरी तरह से मारती है। अगर इस जगह कोई परफ्यूम है या कोई इत्र है, हिना है, तो वो है अमीरी। और गरीब से ये गरीबी है, कितनी बुरी बीमारी है, कितनी भयंकर बीमारी है कि गरीब ही गरीब से बचता है। सर मेरे साथ वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए हैं, सर कुछ बोलो। सर कॉमरेड लाल सलाम, इस देश में जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? गलती हो रहा सर। देखिए किस तरह से आज पार्टियां तैयारियों में है, सपा तैयारी कर रही है, कांग्रेस तैयारी कर रही है और बसपा और भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पहले ही तैयार। अब फिर इस देश में फिर चुनाव होंगे और हार जाएगी ये जनता, जीत जाएगी कोई ना कोई पार्टी और हार जाएगी ये जनता। इस देश का मुस्तकबिल इसी तरह से लिखा हुआ है, जो इस देश को पालता है, इस देश का अन्नदाता किसान और मजदूर इस देश को पालते पालते खत्म हो गया, किसान ने अपना दम डोल पर तोड़ दिया और ये डिजिटल इंडिया बना रहा है। सर कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सर क्या सही है या गलत, भगत सिंह जैसा शहर का देश और हम कायर?
भगत सिंह जैसे शेर का देश और हम कायर, सुखराज जैसे शेर का देश और हम कायर। अबे मुर्दो, कब तक लड़ोगे, कब तक लूटोगे, कब तक लूटोगे? और भागते हैं डायल 112 हो, पुलिस प्रशासन हो, मैं बार बार कहता हूँ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, तुम्हारी औकात नहीं है। सच तो दिखला कर रहूंगा, सच तो दिखला कर रहूंगा। क्यों? कि इस देश में कहीं ना कहीं छल हो रहा है, इस देश की पार्टियां इस देश को लूट कर खा गई, इस देश की पार्टियां इस देश को लूट कर खा गई। सर, एक वरिष्ठ समाज सेवी मेरे साथ में, सर बोलना चाहेंगे? हाँ बताइए। सर, इस देश में जो हो रहा क्या हो रहा? इस देश में कुछ नहीं हो रहा, गलत हो रहा सारा। आप आ जाइए, आइए, आप आइएगा। यही तो है, कैमरे के आगे आने से लोग डरते हैं, घबराते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वीडियो वायरल हो जाए, आपका वीडियो वायरल हो जाए और आपके ऊपर केस हो जाए। इसी तरह से 2 साल कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने इतना डराया, इतना भयभीत किया कि लोग डर के मारे अपने घरों में बढ़ गए। और आज देश फिर लूटने जा रहा है, 2022 में फिर चुनाव होंगे और फिर लूट जाएगी ये जनता। और इस देश को पालने वाला ये रिक्शा पोलर, फल बेचने वाला, फल लगाने वाला कहीं ना कहीं धक्के खा रहा है। क्या बोला सर? लूट गया देखिए। और इसी तरह से और आज कहीं ना कहीं अब दावे दिए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत जाएगी तो बिजली फ्री कर देंगे, हमारी पार्टी जीतेगी तो बिल्कुल मुफ्त अनाज मिलेगा, इस तरह से। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं ढकोसला, झूठ झूठ। सर, क्या हो रहा है इस देश को? इस देश में सब कुछ गलत हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीब जनता पिस रही है। इस ठाकुर द्वारे के शहर में ही एक डीलर जो बदतमीजी करता है और एक यूनिट कम देता है, ये समाज जो है गरीब की कोई कदर नहीं करता है, समाज जो है गंदगी पसंद करता है, गंदगी। आज एक करोड़पति गरीब को सिर्फ क्या समझता है? लेट्रिन। ये समाज गंदों का है, गंदों का गंदगी समाज है। गंदगी इस तरह से फैल चुकी है इस देश में कि लोग भीड़ में खड़े होकर तमाशा देखते हैं, नाटक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसी तरह से इस देश में नाटक हो रहा है। हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, जब चुनाव आएगा तो हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों को हाजी जी लूट के ले जाएंगे। समय आ रहा सर, सही है या गलत? सही है या गलत? इस देश में कहीं ना कहीं बोल ही नहीं सकते सर। क्यों बोलना है नहीं, बोलना है नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? चलिए मत बोलिए, मैं सच को दिखला करूंगा। सर, इस देश में जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत? तेरे ही गलत हो रहा है देश में। देश देखिए कहीं ना कहीं धक्के खा रहा है, इस देश को पालने वाला सड़क इतनी बुरी हो रही है, गड्ढों में कई एक्सीडेंट हो रहेंगे, गड्ढों में कई डंपर रात को चल रहे हैं, पुलिस फोर्स से पैसे ले रही है, गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैं तो सच बोलने वाला इंसान हूँ। कितनी बनाई है और ये उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं सरकारें अपनी उपलब्धियाँ गिनवाती हैं। अतुल पेट्रोल पंप पे जाके देखो, रोड गाड़ी ठुक रही, 3 ट्रक का गन्ना लाने एक ट्राली में भर के, मरने वाले का पता नहीं। और इस देखिए अभी पीछे कितने एक्सीडेंट हुए, कितने बाइक सवार और कितने साइकिल चलने वाले, पैदल चलने वाले भाई इस डंपर की चपेट में आ जाते हैं और कुछ समय के लिए ड्रामा हो जाता है, डंपर रोक दिया जाता है और कुछ ही घंटे बाद खोल दिया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा है। दो एंट्री लगनी चाहिए बिल्कुल। इनसे दिन के समय में यहाँ डंपर नहीं चलना चाहिए, दिन के समय में डंपर नहीं चलना चाहिए। इस देश में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इस देश के साथ छल हो रहा है। गाड़ी चले, दिखलाने की हिम्मत, छोटी गाड़ी चले, बुग्गी चले, कार चले, ट्रैफिक वालों का, किसान का गन्ना चले, छोटी गाड़ी में चले, अपराध वालों की गाड़ी चले, मगर डंपर बड़ी गाड़ी बिल्कुल नहीं चले, नो एंट्री बिल्कुल बंद। चलिए मर रहे हैं, अगर ये बंद नहीं, विधायक अपने घर बैठ जा, मेंबर अपने घर बैठ जा, कोई नहीं देखे। अगर रोज हत्या होती, रोज मौत होती है, रोज कोई ना कोई मरता है घटना में, दुर्घटना में मर जाता है,
हर किसी ना घर में मातम, किसी ना किसी घर में मातम। देखिए किस तरह से यहाँ देश का नाश हो गया है। कोई देखता नहीं, कोई नेता मरता है वही रोता, जिसका मरता है।